अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे क्लिप्स दिखाएंगे जिनको देखकर आप हैरान होंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले यहाँ देखें, इतने सारे लोग एक साथ पानी पर तैर रहे हैं और ये कैसे मुमकिन है और कौन सी जगह है कोई नहीं जानता। ये देखें इस आदमी ने कैसे किया, अचानक बर्फ कैसे जम गई। तो आपको बता दें कि असल में बर्फ पिघल गई थी और उसने वीडियो को रिवर्स कर दिया। ऐसा लगता है कि ये कोई जानदार हैं जो मूव कर रहे हैं, मगर पास से देखने पर पता चला कि ये छोटे छोटे मैग्नेट बॉल्स हैं जो कि इलेक्ट्रोड्स की मदद से मूव करवाए जा रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई मछली पानी के बबल में फंस गई है, मगर ये कोई मछली नहीं बल्कि इलामेंडोरे का अंडा है। अगर आपको तंग जगहों से डर लगता है तो इसे देखें, ये जगह यूनाइन और एगेन सी को मिलाती है। इसे दुनिया का सबसे पतला समुद्री रास्ता कहा जाता है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 69 फीट है, लेकिन यहाँ से बड़े बड़े क्रूज शिप गुजरते हैं और टूरिस्ट को काफी मजा आता है। दरअसल यहाँ से 15,000 क्रूज शिप गुजरते हैं। इन दोनों को देखें, ये एक प्लेन के विंग्स पर खड़े होकर टेनिस खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है कि इनकी बाल हवा की वजह से इधर उधर नहीं जाती। इस वीडियो में ये श्रिम्प एक ड्राइवर के दांतों को साफ कर रहे हैं। ये नज़ारा बैकला लेक का है और ये पानी कुछ इस तरह से जम जाता है। इसे देखने हजारों लोग आते हैं और कुछ तो इसमें डाइव भी करते हैं। इन लोगों के दौड़ने का तरीका अजीब है, लेकिन ये चाइना का एक स्पोर्ट है और वहाँ ये मुकाबला होता है। देखने में ये आसान है, मगर किसी एक से भी जरा सी गलती हुई तो सब गिर जाते हैं। इस खेल को देखें, इसमें ब्लैंकेट की मदद से एक गोलकीपर गोल को कवर करता है तो दूसरी टीम का खिलाड़ी पीलो की मदद से गोल को रोकने की कोशिश करता है। ये कैसा पुल है दोस्तों? ये पुल नहीं है बल्कि ये जापान के ओसाका में बना हुआ एक एजिट गेटवे है, जिसको बड़े बड़े तूफानों से बचने के लिए बनाया गया है। लोग कहते हैं कि ये तूफान के आगे टिक नहीं पाएगा, मगर ये काफी मजबूत है। इस मछली का नाम है बबल आई, आपको ये आसानी से देखने को मिलेगी। असल में ये गोल्डन फिश की एक नस्ल है और काफी रेयर भी है। इस भैंस को देखकर ऐसा लगता है कि इसके सिंग असली के हैं, मगर आपको बता दें कि किसी ने भैंस के सर पर साइकिल के टायर लगा दिए हैं। इस बिखरी चीजों को देखें और बताएं कि ये क्या है। चलो हम आपको बताते हैं, ये एक साइकिल्स का कब्रिस्तान है जो कि चाइना में है और इनमें अक्सर साइकिल ठीक हालत में ही हैं। कई लोगों को समंदर के किनारे कुछ ना कुछ बनाने का दिल करता है, मगर इस आदमी का अलग ही लेवल है। ये जापान में रहता है, इसका नाम जेनिजिस है, जो कि एक आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने ये कैस्टल बनाया। इसके अलावा ब्राजील के मार्टियल को भी इस काम में काफी महारत हासिल है, उनको 20 साल का तजुर्बा है, यानी उन्होंने पूरी जिंदगी इन कैस्टल को बनाने में लगा दी। ऐसे ही इस आदमी की महारत भी कमाल है, जो कि डक टेप से पेंटिंग बनाते हैं। इस पेंटिंग को लाइट में देखा जाए तो कमाल की नजर आती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।